आज मैं जाऊंगा सिटी सेंटर, जहां से मैं लूंगा सिम कार्ड और ट्रांसपोर्ट का पास। वही हुआ जिसका डर था। एक्चुअली हुआ ये है कि जो टैक्सी थी, जो कैब था, उसने मुझे यहाँ पे उतार दिया इस जगह पे, और वो चली गई। और उसने मुझे बोला, एक्चुअली उसने मुझे उतारा क्यों है, उसने उतारा इसलिए कि वो कहता है कि काफ़ी रश है, तो इस वजह से मैं उस साइड पे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे और गाड़ी वहाँ पे जाती नहीं है। तो मसला ये है कि मेरे पास सिम नहीं है, और मसला ये भी है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो दुकान किस जगह पर है। लेकिन मैंने वो ड्राइवर के मोबाइल से थोड़ा सा मैंने देखा था, थोड़ा सा आइडिया मैंने लिया था कि वो एग्जैक्टली किस जगह पे होगी। और अब मुझे सिर्फ जो है वो सिर्फ मेरे पास दो निशानियाँ हैं। एक तो मुझे ये पता है कि इस गली में आगे जाना है, और आई थिंक थोड़ा सा राइट लेफ़्ट होना है। और दूसरी निशानी ये है कि वो जो गली है ना, जहाँ पर जाना है, जहाँ पर वो दुकान है जहाँ से मैंने सिम लेनी है, वो जो है वो उस गली के जो गली पर ना वाइट वाइट कलर के निशान है। तो बस मुझे ये पता है, तो देखता हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ, लेट्स सी अगर मुझे मिल जाता है तो। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, जिस गली में हूँ, यहाँ पे बहुत सारा रश है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जहाँ पे मैंने जाना है वो वाकई इसी गली में है या नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर काफ़ी किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन आई डोंट नो वो दुकान मुझे यहाँ पर मिलती है। वाकई अगर आपके पास सिम नहीं होती, आपका फ़ोन नहीं चलता, आपके फ़ोन में नेट नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आप सहरा में चल रहे होते हो और आपको कुछ पता नहीं होता आप कहाँ पे, और ख़ास तौर पे तब जब आप नई जगह पे होते हो। मैंने हैंड फ्री इसीलिए लगाया है क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो क्या कहते हैं आवाज़ ख़राब ना हो। लेकिन आई होप कि मैं वहाँ पहुँचूँ। जैसा कि आप गली नीचे से देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी वाइट वाइट लाइंस नहीं है उस गली में, लेकिन जो मैंने नेट पे फ़ोटो देखी थी उसमें नीचे वाइट वाइट कलर की लकीरें थी, बट अभी मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि मुझे मोबाइल शॉप मिले जहाँ से मैं सिम लूँ, और अगर मिल जाती है, इंशाल्लाह मिल जाएगी। मुझे स्ट्रीट का नाम पता है, हाजी जैनुल आबदीन स्ट्रीट है, और मुझे डाउट भी हो रहा है कि आगे जो स्ट्रीट आ रही है उसमें नीचे वाइट वाइट निशान भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वो मुझे मेट्रो की टिकट लेनी है। एक्चुअली यहाँ पे होता ही है कि जब भी आपने बस पकड़नी होती है तो आपके पास एक मेट्रो की टिकट होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, आप वैसे ड्राइवर से जो है वो आप नहीं ख़रीद सकते टिकट, वो आपको एक चार्ज, एक कार्ड मिलता है, जैसे ही वो कार्ड आप ख़रीदते हो और कार्ड जो है ना वो रिचार्ज हो जाता है, तो वो मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे सिम चाहिए, सिम मिलेगी तो नेट मिलेगा, नेट मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली मैं बाकी चीज़ें ढूंढ सकूँगा। सो जनाब, फाइनली मुझे दुकान मिल गई जहाँ से मैंने सिम लेनी है, और ये मेरे पीछे दुकान है, ये वाली आप पर्पल कलर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जाना है। तो मैं सिम ले लूँ पहले, और उसके बाद जो है फिर बाकी प्लान डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जाना है और क्या करना है। अब मैं अगर यहाँ 10 दिन रहता हूँ तो 10 GB वाला पैकेज काफ़ी होगा आई थिंक। सो गाइस, सिम मुझे मिल गई है, ये सिम मुझे मिली है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस थे उनके पास। जो पैकेज मैंने लिया था, मैंने लिया है 10 GB का, जो मुझे मिला 20 मिनट का। ठीक है, अब वैसे मुख्तलिफ़ थे वहाँ पे, 10 का भी था, 15 GB का भी था, ज़्यादा का भी था, तो मैंने उनको बोला कि 10 मेरे लिए इनफ होगा, क्योंकि होटल में भी वाईफाई है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। और लेकिन उसने मुझे बोला कि तुम ज़रूर वापस मेरे पास आओगे, 10 GB ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं, वैसे इतना यूज़ होगा नहीं, क्योंकि मैंने वैसे यूट्यूब वगैरह तो यूज़ नहीं करना मोबाइल डाटा पे, मैं ज़्यादा मैप के लिए यूज़ करूँगा, और कॉल वगैरह भी ऑब्वियसली मैंने नहीं करनी। तो अभी, और हाँ एक चीज़ बहुत मज़े की, अच्छा आपको पता है जी, पाकिस्तान में जब भी आप नया फ़ोन लेते हो आप उसको PTA प्रूफ, PTA टैक्स देते हो। ठीक है, तो मुझे लगा था यार ये सिर्फ पाकिस्तान में है, बाकी किसी मुल्क में नहीं है। उसने मुझे ये बात बोली, उसने मुझे बोला कि अभी तुम ये सिम ले रहे हो, अपने फ़ोन में ये सिम डालोगे, और लेकिन जब तुम, अगर कभी तुम्हारा चक्कर लगता है दोबारा अज़रबैजान का, तो ये फ़ोन नहीं चलेगा, तुम्हें उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान में होता है।
मैंने कहा अच्छा मैंने कहा ओके, तो मैंने बोला कितना टैक्स होगा। कहता है पाकिस्तान में तो मुझे पता ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मतलब जब आप फर्स्ट टाइम किसी फ़ोन में सिम डालते हो, यूज़ करते हो, तो उसके 30 डेज़ के बाद फ़ोन ब्लॉक हो जाता है। फिर आपको 150 मन्नत जो है वो आपको देने पड़ते हैं फ़ोन को अनब्लॉक करने के लिए। तो मैंने कहा यार फिर भी चलो ठीक है, मतलब पाकिस्तानी लगभग वो 18-20 हज़ार रुपये ही बनता है, फिर ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो गाइस यहाँ पे बिन लगे हुए हैं और जगह जगह पे लगे हुए हैं, और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एस्ट्रे भी है, हर बिन के साथ एक एक एस्ट्रे है। और मज़े की चीज़ ये है यहाँ पे इतने ज़्यादा बिन्स हैं, और पाकिस्तान में जो है ना वो 100 मीटर छोड़ के 200 किलोमीटर के बाद भी बिन नज़र नहीं आता। सो जनाब अभी मैं एक पार्क में हूँ और काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, बहुत खूबसूरती है और कह लो कि बहुत ही सुकून है, साफ़ सुथरा है हर चीज़। और हाँ बिल्कुल अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं। वैसे हर जगह पे एक पार्क होना चाहिए, जाहिर सी बात है, बच्चों के लिए हो, जहाँ पे बच्चे खेल सकें, जहाँ पे आप बच्चों को खुला छोड़ दो और आराम सुकून के साथ बेंच में बैठ जाओ, बेंच पे बैठ जाओ, क्योंकि उसका फ़ायदा ही होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को कहीं भी लेके जाते हैं और फिर हम बच्चों पे नज़र रखते हैं और बस उन्हीं के पीछे पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाए, बच्चे अपनी मर्ज़ी से खेलें और आप सुकून के साथ बैठ के अपना फ़ोन यूज़ करो। लेकिन खैर अब सीन ये कि मैं जा रहा हूँ मेट्रो में, क्योंकि मुझे लेनी है मेट्रो की टिकट, और मेट्रो की टिकट लेके उसको फिर मुझे करना है रिचार्ज। देखता हूँ यार क्या सीन है। अभी मैं मेट्रो में एंटर हो रहा हूँ, ये है एक मेट्रो बस स्टेशन मेरे पीछे, ठीक है। तो गाइस ये मैं मशीन के पास में इस वक्त, तो बल्कि इंग्लिश में करते हैं, शुक्र है ये इंग्लिश में है। सबसे पहले हम इसको कार्ड को ख़रीदेंगे, और ये है 2 मन्नत का है, नो मनी विल रन, ठीक है। बल्कि करो और 2 मन्नत का कार्ड हो गया, और कार्ड प्राइस ये है, ठीक है। लो जी ये हो गया कार्ड यहाँ का ट्रांसपोर्ट का, और जो रिचार्ज हो सकता है, और ये बनता है 2 मन्नत का, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको रिचार्ज करते जाओगे, आप इससे मेट्रो भी पकड़ सकते हो और बस भी पकड़ सकते हो मेरा। अच्छा जी अब चीज़ ये है कि देखने के लिए कि आपके कार्ड में कितना बैलेंस है, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। और ओहो अबे यार, ओके इंग्लिश में कर लिया। आप इसको यहाँ पे पुट करते हो, और अभी जो है ये इसमें 0 है बैलेंस इसका, और इसको मतलब जैसे जैसे इसमें पैसे डालते जाओगे ये रिचार्ज होता जाएगा। और ये मेरे पास 5 मन्नत हैं, और 5 मन्नत इसको मैं रिचार्ज कर दूंगा, और अब इसका बैलेंस हो गया है 5 मन्नत, ठीक है। और इसकी टिकट भी मैं ले सकता हूँ। सो जनाब मैंने कार्ड लिया 2 मन्नत का, और इसमें 5 मन्नत मैंने रिचार्ज भी किए, लेकिन अभी मैं कुछ सफ़र नहीं करूँगा फ़िलहाल, आज मेरा प्लान नहीं है मेट्रो या ट्रेन मेट्रो या बस पकड़ने का, आज तो नहीं मैं पकड़ूंगा, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं बस का एक्सपीरियंस करूंगा यहाँ का, मेट्रो भी पकड़ूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कैब वगैरह पे जाते हो तो उसमें ऑब्वियसली वो जो लोकल मज़ा होता है आपका, जो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने का मज़ा होता है, वो तो नहीं आता जब तक आप लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं पकड़ते हो। तो चलें उसका एक्सपीरियंस कल करेंगे, अभी खाएंगे खाना खाते हैं, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा अपने होटल पे, ठीक है। अच्छी जगह है, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक मेरे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा जा रहा है।
अच्छा जनाब, ये आप किताब देख रहे हो, इसमें इस रेस्टोरेंट की कोई हिस्ट्री नहीं लिखी हुई, ये मेन्यू है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इतने सारे इसमें इनके पास यहाँ पे आइटम्स हैं, ठीक है। बंदा वो भी ऐसी जगह पे आप आए हुए हो जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, और आपको समझ ही नहीं आ रही आप यहाँ पे क्या ले सकते हो। और मतलब टाइम लग रहा है कि मैं क्या लूँ, क्या डिसाइड करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बट ओके मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, सोचते हैं कुछ। हम यहाँ पे नरगिस रेस्टोरेंट पे हैं, तो रेस्टोरेंट का नाम है नरगिस। तो ये दो चीज़ें अभी हमें मिली हैं। पहली ये चीज़ है, इसको बोलते हैं नरगिस कुतुब नरगिस। और ये वाली जो है ये कुतुब मीट है, आपको पता नहीं अज़रबैजान में क्या कहते हैं, ये देखो जी। इसके अंदर ये नरगिस कुतुब है, मीट है, इसके अंदर ये घास फूस मतलब कोई साग शाग है, ठीक है। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करके मैं बताता हूँ। दूसरा वाला जो है इसके अंदर जो है ये मीट है, और साथ में नॉर्मली इन्होंने बोला था कि अनार भी होता है, पर अनार तो नज़र नहीं आता, लेकिन शायद अनार का पानी लगाओ, मैं इसको टेस्ट करूँगा मैम। ओके, ये पहला अनार वाला कुतुब खा रहा हूँ मैं, मीट कुतुब अनार वाला। अच्छा, इसमें लैम है और बीफ मिक्स हुआ है, और दूसरा वाला जो है इसमें भी थोड़ा सा ग्रीनरी ग्रीनरी ज़्यादा फीलिंग आएगी। नेचुरल है, ऑनेस्टली ज़बरदस्त, नमक मट ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है, ज़बरदस्त। कोई दूसरा खाना आ रहा है उसका वेट कर रहा हूँ। सो अभी एक डिश आई है हमारे पास, ये वाइट राइस है, इसमें मुर्गी है, अंडा है अंदर, और चिकन है, ठीक है, सॉरी टमाटर। ओके, इतना स्पेशल नहीं है, जो स्पेशल चीज़ है वही है, इंग्रेडिएंट स्पेशल है। ये जी विलेज चिकन है, मैंने मैं से लिखा था विलेज चिकन, जैसे देसी चिकन, और इसमें अखरोट भी हैं, और वैसे मैं टेस्ट भी करता हूँ, अखरोट भी है इसमें, और क्या था, ऑनियन। सो अलहमदिल्ला खाना खा लिया हमने, बस एक चीज़ थी जो छोटी सी जो लोड की है, वैसे तो छोड़ा मैंने कुछ नहीं है, लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ थी, वो ये था कि शायद ये लोग इतना अच्छा कुक नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो देसी लोग होते हैं वो थोड़ा सा बुनाइयाँ ज़्यादा करते हैं, खाने को सही तरह पकाते हैं, उसकी आत्मा रोल के रख देते हैं ताकि खाना इजीली खाएँ उसको, लेकिन खैर ये लोग शायद इतना अच्छा कुक नहीं करते, मुझे नहीं पता ये इस रेस्टोरेंट में ऐसा था, या फिर हम कल किसी और जगह पे खाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा होगा, मे बी आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कच्चा था या इनके मुताबिक नॉर्मल था, पता नहीं, लेकिन अलहमदिल्ला खा लिया, ठीक है। अभी बस अब होटल की तरफ जाऊँगा। खाना ख़त्म होने के साथ ही वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में मैं विज़िट करूंगा बाकू ओल्ड सिटी, कुछ यहाँ के कारपेट्स देखेंगे, और ऑब्वियसली लोकल ट्रांसपोर्ट भी ट्राई करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।